topic is spotting errors. So basically in this topic we just find out the errors in different part of sentence. I just take an example. Jaisa ki dikh raha hai, sentence hai, the secret of his good / health lies in the fact that / he is getting up before sunrise / and has a 2-mile walk every morning. Okay, so मुझे यहाँ पे error find out करना है. तो basically जब भी sentence हम पढ़े तो सबसे पहले हमें हमेशा ये पता करना है subject क्या है, verb क्या है, preposition क्या है. अगर हम इन सारे facts को mind में लेके चलते हैं तो definitely हम सही चीज़ों को पकड़ पाएंगे. So यहाँ पे अगर हम देखें तो error कहाँ पे, किस सेंटेंस किस पार्ट में है. जस्ट थिंक अ वाइल. ओके, यहाँ पे जो एरर है बेसिकली जो है ना इस पार्ट में एरर है. क्यों है, आई जस्ट एक्सप्लेन. अब देखिए ये सेंटेंस किस बारे में है, सिंपली बात करा है हेल्थ के बारे में. मतलब अगर जो हेल्थ का जो राज है वो सुबह उठना और दौड़ना या फिर वॉकिंग करना है. तो ये बेसिकली क्या है, एक हैबिट है या ये कहिए कोई फैक्ट है. तो इस तरह के सेंटेंस में जहाँ पे हैबिट हो, कोई यूनिवर्सल फैक्ट्स हो या कोई इन्फॉर्मेशन हो जो वैलिड हो, मतलब फैक्ट जस्ट फैक्ट हो, तो उस केस में जब भी हम यूज करेंगे ना हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस यूज करेंगे हमेशा, ऑलवेज. सो आप देखिए तो यहाँ पे क्या है, ही इज गेटिंग. अब गेटिंग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया है ना, तो इस गेटिंग को मुझे चेंज करना है किसमें, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इनडेफिनिट में. तो गेटिंग क्या हो जाएगा, गेट अप हो जाएगा. तो द सेक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट / ही इज गेट्स अप बिफोर सनराइज / एंड हैज अ 2-mile वॉक एवरी मॉर्निंग. दिस इज अ प्रॉपर वे टू फाइंड आउट द एरर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस. हर पग्नेशियस डॉटर ऑलवेज डू समथिंग दैट मे इनकर इंसल्ट ऑन हर नाइबर हु होल्ड अ रॉन्ग ओपिनियन अबाउट हर फैमिली. अब यहाँ जो वर्ड है पग्नेशियस, वो वर्ड कैसा, मतलब इसका मीनिंग क्या है. पग्नेशियस का मतलब होता है बैड टेम्पर, मतलब विच इज वेरी मच एंग्री, मतलब जिसे गुस्सा ज्यादा आता है, इनफ्रेटिंग आप कह सकते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पे ईयर कहाँ पे होगा, अब देखिए ये ना कोई फैक्ट है ना कोई हैबिट है, जस्ट क्या एक ओपिनियन है, एक थॉट है. तो यहाँ पे हम कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का खेला है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का सिलेक्शन. अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा. अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा. तो उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट वर्ब को हम रखते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे हर पग्नेशियस डॉटर ऑलवेज डू हर, तो ये क्या है थर्ड फॉर्म है, ही सी इट हर, ये सारे क्या है थर्ड फॉर्म है. तो ये क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन है. तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ क्या हो गए सिंगुलर वर्ब आएगा. तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है डू है, तो डू क्या है एक प्लूरल वर्ब है, डू इज अ प्लूरल वर्ब. ओके, सो इसीलिए हम इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, तो डू के बदले क्या होगा डज आएगा. सो हर पग्नेशियस डॉटर / ऑलवेज डज समथिंग दैट मे इनकर इंसल्ट / ऑन हर नाइबर हु होल्ड अ रॉन्ग ओपिनियन अबाउट हर फैमिली. ओके, अब नेक्स्ट जो टेंस है, जो सेंटेंस है वो है नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्स ऑफ दिस नर्सिंग होम इज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल टू द अटेंडेंट्स / नो एरर. अब देखिए अगर आप सेंटेंस को केयरफुली रीड करें तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में है, कहाँ पे एरर है. सब देखिए, सब्जेक्ट देखिए, वर्ब देखिए, प्रीपोजिशन देखिए. ओके, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन सही है. अब बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट
सब्जेक्ट एग्रीमेंट को अगर हम देखें यहाँ पे नॉट ओनली द डॉक्टर ऑब्लिक बट ऑल्सो द नर्सेज। अब देखिए यहाँ पे एक सिमिलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या प्लूरल सब्जेक्ट है, ऑफ दिस नर्सिंग होम इज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, अगर किसी सेंटेंस में नॉट ओनली या बट ऑल्सो है तो उस केस में जो वर्ब होता है वो अपने पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिस सेंटेंस में नॉट ओनली हो बट ऑल्सो हो उस केस में जो वर्ब होता है वो अपने पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट दो है, डॉक्टर है और नर्सेज भी है, तो दोनों सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट के नज़दीक वर्ब है, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, नर्स होम इज हेल्पिंग वर्ब, तो इसके नियरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट है, डॉक्टर भी है नर्स, बट नियरेस्ट कौन है, नियरेस्ट ये है, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का सिलेक्शन होगा। तो नर्सेज, नर्सेज क्या हो गया, प्लूरल हो गया, यहाँ पे क्या होगा इसके बदले आर क्या है, प्लूरल है, इज क्या है, सिंगुलर है। अगर यहाँ होता डॉक्टर्स, ओके, और होता यहाँ पे नर्स, तब ये सेंटेंस सही होता, मतलब नॉट ओनली द डॉक्टर्स बट ऑल्सो द नर्स ऑफ दिस फैमिली ऑफ दिस नर्सिंग ऑब्लिक होम इज, तब ये सही होता, बट यहाँ पे क्या है नर्सेज है, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहेगा, अगर होता नर्स यहाँ था इज, तो जो सबसे इसके नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्म डिसाइड करेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, एवरी मैन एंड वुमन ऑफ द विलेज हैव कम आउट टू सी दिस स्ट्रेंज चाइल्ड हु क्लेम्स टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज प्रीनटल एग्जिस्टेंस। अब जो वर्ड है प्रीनटल, इसका मतलब होता है जन्म से पूर्व, मतलब ये सेंटेंस है, ये कहना चाह रहा है, मतलब गांव के जितने भी औरतें थे जो पुरुष थे वो गांव के बाहर निकले और उस बच्चे के बारे में जानना चाह रहे थे जो अपने जन्म के बारे में सब कुछ जानता है, मतलब उसके उसको देखने के लिए बाहर निकल आए। तो प्रीनटल का मीनिंग तो क्लियर है। अब देखिए खासकर जब भी ऐसे सेंटेंस है जहाँ पे इच हो, एवरी हो, ओके, तो वहाँ पे जो जो वर्ब होगा उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैन एंड वुमन, मैन एंड वुमन क्या है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो इच और एवरी जो है, मतलब इच और एवरी वाला केस है, तो यहाँ पे दो नॉन अगर एंड के साथ कनेक्टेड हैं तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल, सॉरी वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगी। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैन और मैन, अगर होता मैन एमईएन, अगर होता ओमैन ओमैन एमईएन, तो यहाँ पे क्या होता है विलेज हैव, तो यहाँ पे हैव से ही होता, बट यहाँ पे क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी होगा, तो हैव की जगह क्या हैव लगेगा, क्योंकि हैव क्या हैव इज अ प्लूरल, हैव क्या है प्लूरल वर्ब है, और हैज क्या है सिंगुलर है, और चूंकि सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हुआ सिंगुलर होगा। ओके, दिस इज द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ स्पॉटिंग द एरर। आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब बताई होंगी और आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, कोई डाउट होगा तो कमेंट में डालिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक्स।